सदात दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस हमला केस समेत पांच मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगु में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाए गए। चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में गुनहगार है। चेयरमैन पीटीआई को आनत जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न किया गया तो सबूत सफाई मिसल पर लाने में रुकावट होगी। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाए, ये जमानत का केस ही नहीं है। आपको बता रहे हैं, इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस हमला समेत पांच मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने, जिन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर दी गई है। जिना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार पाए गए। चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में गुनाहगार हैं। उनके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को आनत जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। मजीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार अगर ना किया गया तो सबूत सफाई मिसल पर लाने में रुकावट होगी। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाए, ये जमानत का केस ही नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। या हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस हमला समेत दीगर पांच मुकदमात की। आज वहां पर बाकी प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे तो तफ्तीश वहां मुकम्मल थी और वो तमाम केसेस के अंदर ना सिर्फ गुनहगार हुई जो रेड लाइन के हवाले से ये धीरे कैंपेन की गई थी, ये सारा उसका नतीजा और वो एविडेंसेस मौजूद है। वो उनके अगर आप देखें जो उनके ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उससे वो कैंपेन वो कलेक्ट की गई है और जो बाकी सोशल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ पेजेस हैं और वो पूरी की पूरी एविडेंसेस हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जो कनेक्ट करते हैं उनको इस एलिगेशन के साथ। इदारों को पूरे तरीके से इस बात पे मिलायन करने के लिए जो साजिश तैयार की गई थी, अब उन सारे केसेस के अंदर 109 के हवाले से और कॉमन इंटेंशन के हवाले से इमरान खान साहब जो है वो चार्ज हो रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट हो गई हैं और उनकी गिरफ्तारी जो है वो ना सिर्फ दरकार है और मुझे नजर आता है कि ये